देखो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कसम दे रहा हूँ, है ना, किसकी कसम दे रहा हूँ ये मेरे को भी नहीं पता, बट आपको कसम है कि आप एक भी सेकंड स्किप नहीं करोगे वीडियो को, आप एक भी सेकंड स्किप नहीं करोगे, और ये मेरी गारंटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ना, ऐसा ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल जैसे पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और एक एक चीज मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक वर्ड बिल्कुल याद करा के भेजूंगा, समझा के भेजूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अपने चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन, अपने चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। अब पर आप सब कुछ भूल जाओ, रेस्पिरेशन डाइजेशन सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ साथ चलो। देखो हम क्या खाते हैं, हम डेली क्या खाते हैं, हम फूड खाते हैं, सिंपल। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खाना खाना है। हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, और फूड क्यों खाते हैं, सिंपल सी बात है, हमें जीने के लिए, हमें दौड़ने के लिए, भागने के लिए, मूवी देखने के लिए, मेरे को वीडियो बनाने के लिए, आपको वीडियो देखने के लिए, आपको नीट की तैयारी करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। हर सेल को, हमारी बॉडी की हर सेल को जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। तो हमें एनर्जी कहां से मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी फूड से। तो इतनी सी बात हमें पता चल गई कि हमें एनर्जी चाहिए और कहां से मिलेगी, फूड से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो हमने जो फूड खाया उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे बहुत बड़ा पॉलीसेकेराइड है या बहुत बड़ा प्रोटीन है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसा तो नहीं हो गया ना कि हमने, मान लो हमने क्या खाया, हमने पराठा खाया और हमारे मुंह में वो पराठा गया और डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि इस फूड से, ये इतना बड़ा हमने पार्टिकल खाया, इतना बड़ा पॉलीसेकेराइड है या प्रोटीन है, इससे एनर्जी कैसे निकलेगी, है ना, इससे एनर्जी कैसे निकलेगी, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखो इतना बड़ा हमने खाया, इतना बड़ा पार्टिकल हमने खाया, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी डाइजेशन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसकी डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन कुछ नहीं है, डाइजेशन क्या है, सिंपली क्या है, हमने ये बहुत बड़ा पार्टिकल था, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल था, तो मैक्रो मॉलिक्यूल को हम माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। मान लो ये पॉलीसेकेराइड है तो हमने यहां इसको मोनोसेकेराइड्स में तोड़ दिया ना, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज में हम इसको तोड़ चुके हैं पॉलीसेकेराइड को, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपली डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, फूड डाइजेस्ट कर लिया। अब डाइजेस्ट करने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, सिंपल सी बात है। हमें इस फूड को क्या करना है, एक एक बॉडी की हर एक सेल के पास पहुंचाना है ना, जो ये हमारे पास ग्लूकोस बना, हमें इस ग्लूकोस को पूरी बॉडी में हर सेल के पास पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, ताकि वो सेल, हर एक सेल उससे एनर्जी निकाल पाए। तो एक एक बॉडी की एक एक सेल, यानी हाथों में भी पहुंचाना है, पैरों में भी, कान में भी, आँख में भी, नाक में भी, तो हर जगह पहुंचाने का एक ही सबसे अच्छा रास्ता है कि इस फूड को कहाँ अब्सॉर्ब करा दें, हम ब्लड में अब्सॉर्ब करा देते हैं ब्लड, है ना। देखो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, ब्लड एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह, फॉर एग्जांपल आपको कलकत्ता से मुंबई कुछ भेजना है, तो कलकत्ता से जो मुंबई जो नदी आ रही है उसमें हम पटक देते हैं, वो नदी बहती बहती उस सामान को ले आएगी, और ऐसे ही ब्लड है अपनी पूरी बॉडी में ये फूड को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये अब्सॉर्प्शन करने के बाद ये फूड पार्टिकल्स कहां आ चुके हैं, अपने ब्लड में आ चुके हैं। अब ब्लड कहां जाएगा, ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी की सेल्स के पास। ब्लड कहां सप्लाई होगा, पूरी बॉडी में होगा ना, हर जगह। देखो फॉर एग्जांपल हम एक टिश्यू ले लेते हैं, ये एक टिश्यू ले लिया हमने, टिश्यू, देखो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। ये हमारे पास एक टिश्यू है ना, जिसमें बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स, ठीक है। अब जो ये फूड पार्टिकल्स है ना, फूड पार्टिकल ये हर एक सेल के पास जाएंगे, ये फूड पार्टिकल फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ये हर एक सेल के पास जाएंगे, और फिर क्या होगा, हमने जो पढ़ा था ना रेस्पिरेशन इम्प्लांट्स में, कि अब फूड की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, ब्रेकडाउन भी कैसे, ऑक्सीडेशन के थ्रू, और फिर क्या होगा, वो होती है ना अपनी ग्लाइकोलिसिस होगी, लिंक रिएक्शन होगी, क्रैब साइकिल होगी, और वो सब किस लिए थी, ताकि हमें क्या मिल पाए, हमें एनर्जी मिल पाए, ठीक है, है ना। मैंने अभी एक बात बोली कि इस फूड की सेल के अंदर, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, बातों को ध्यान से सुनना, सेल के अंदर इस फूड की जो ग्लूकोज पहुंच चुका है मान लो, उसकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, और ब्रेकडाउन भी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन से होगी, है ना, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे 5 स्टार लगा लो। तो सिंपल सी बात हमें यहाँ समझ आ रही है कि यहाँ पे सेल्स के अंदर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीडेशन तभी तो करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, है ना।
बिल्कुल ठीक है, इतनी बातें हमें समझ आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है ना, फूड की क्या हुई, ब्रेकडाउन हुई कैसे, ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन करके, और इस प्रोसेस में एक गैस निकलती है। देखो ऑक्सीजन तो हमने यूज़ की है ना, यूज़ की, और एक गैस निकलती है इस प्रोसेस में जिसका नाम होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, ये एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट निकला है। ठीक है, तो हमें यहाँ इतनी बातें समझ आई कि हमें ऑक्सीजन क्या है चाहिए, और CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हमें बाहर निकालना है, ये हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। ठीक है, हमें ऑक्सीजन चाहिए और ये क्या है, CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो, अब ये सेल के अंदर जो भी हुआ ना, ये ऑक्सीडेशन और ये सब जो हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, अब ये हमारा चैप्टर क्या बोलता है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है, देखो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन हमें चाहिए ये हम कहाँ से लाएंगे, ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि ये जो CO2 हमें बाहर निकालनी है इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमारे पास ऑक्सीजन लेने का क्या जरिया है, एटमॉस्फेयर, है ना। बाहर आप खुले मैदान में जाओ या अब भी आप किसी रूम में बैठे हो तो आप कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हो। आप कहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हो, एटमॉस्फेयर से ले रहे हो। ठीक है, और आप CO2 रिलीज कर रहे हो, आप CO2 रिलीज कर रहे हो कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर आप CO2 रिलीज कर रहे हो, है ना। इतनी सी सिंपल सी बातें अपने को समझ आती है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। और इस प्रोसेस को हमारी बॉडी जब ये काम करेगी, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ब्रीदिंग बोल देते हैं। इस चीज को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ब्रीदिंग, या दूसरे शब्दों में बोल लो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन भी इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन ये वाली थी सेल के अंदर, और ये है अपनी नॉर्मल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो जो डाइजेशन थी वो कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। रिप्रोडक्शन है तो कौन करेगा, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगा, है ना। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ है तो नर्वस सिस्टम करेगा। अब रेस्पिरेशन कौन करेगा, तो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। रेस्पिरेशन कौन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आएगा, सिंपल सी बात है, अब ये आगे हम करने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन पोरीफेरा में कैसे, डिफ्यूजन सिलेंट्रेटा में, डिफ्यूजन टीनोफोरा में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अब्सेंट, प्लेटी हेलमिंथीज में डिफ्यूजन, अस्के हेलमिंथीज में डिफ्यूजन, एनलीडा में मोइस्ट क्यूटिकल, अर्थ्रोपोडा में, देखो अर्थ्रोपोडा में इनको ऐसे याद रख लेना, मैं बोल रहा हूं ये पूछ लिया जाएगा, ये याद रखना है आपको, प्रॉन में गिल्स, क्रैब में बुक गिल्स, इंसेक्ट में ट्रेकिया, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, और मलस्का में फीदर लाइक गिल्स, इकाइनोडर्मेटा में गिल्स, हेमिकोर्डेटा में गिल्स, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फिशेज में गिल्स, एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड मैमल में लंग्स। ठीक है, एक थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो। देखो यहां पे बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही थी, डिफ्यूजन 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 डिफ्यूजन, है ना, ऐसी इस टाइप की चीजें चल रही थी। फिर क्या आए हम, फिर गिल्स की तरफ आए, है ना, फिर एक्वाटिक है तो गिल्स की तरफ आए। जैसे जैसे पानी में से एनिमल्स बाहर निकले, मतलब जमीन पे आने लगे, जैसे रेप्टाइल बर्ड्स मैमल जमीन पे रहते हैं, तो उनमें आ गए लंग्स। तो थोड़ा सा इसको पैटर्न के साथ, अब देखो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल पांचवी क्लास जैसे चलेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं करूँगा। देखो हम सिंपल क्या है, हमें सांस लेनी है, सिंपल क्या लेनी है, हमें सांस लेनी है। ठीक है, ये मान लो हमारी क्या है, नाक है, ये हमारी नाक है, नोज है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम नोज से आगे चलेंगे, देखो मैं साथ साथ लेबलिंग करते चलता हूँ, ये अपनी क्या है, नोज है, या मैं सही लिख दूँ तो ये हमारी नोस्ट्रिल्स हैं, ये हमारी क्या है, नोस्ट्रिल्स हैं। ठीक है, अब
हम आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज आई, ये स्पेस आया, इसको मैं बोल रहा हूँ नोस्ट्रिल से आगे, इसको मैं बोल रहा हूँ फेरिंग्स, इसको मैं बोल रहा हूँ फेरिंग्स बोल रहा हूँ, ठीक है, नोस्ट्रिल से आगे। देखो ये तो सिंपल क्या हो जाएगा, नेजल चैम्बर हो जाएगा ना नाक में, ये नाक में हो गया नेजल चैम्बर, ये हमारी नोस्ट्रिल्स है, और आगे चले आगे चलते में क्या आया, फेरिंग्स आया। अब फेरिंग्स से जब हम आगे बढ़ते हैं, देखो डायग्राम थोड़ा रफ है पर चीजें आपको एक एक याद करा के भेजूंगा, ठीक है। फेरिंग्स से आगे जब हम चले तो यहां पे एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है ना, एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले नोस्ट्रिल और ये क्या हो जाएगा नाक के अंदर नेजल चैम्बर, और फिर क्या आया आगे फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आया लैरिंग्स। और हम पिछले डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि फेरिंग्स जो होता है वो फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन स्पेस होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहां पे आगे फेरिंग्स से आगे एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स आया जिसको हम बोल रहे हैं लैरिंग्स। अब लैरिंग्स का काम क्या होता है, लैरिंग्स क्या करता है, साउंड की प्रोडक्शन करता है, साउंड की प्रोडक्शन। हाँ, मैं अभी जो बोल रहा हूं वीडियो बनाते हुए किसकी वजह से, लैरिंग्स की वजह से, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं, है ना। लैरिंग्स क्या करता है, देखो लैरिंग्स के क्वेश्चन में आपको बताता हूं, लैरिंग्स किससे बना है, कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, कार्टिलेज से बना हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है, लैरिंग्स का फंक्शन होता है साउंड की प्रोडक्शन करता। तीसरा क्वेश्चन, लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, देखो साउंड की प्रोडक्शन करेगा तो क्या बोल देंगे इसको, साउंड बॉक्स हम बोल देंगे, साउंड बॉक्स, ठीक है। अब हम यहां लैरिंग्स तक पहुंच चुके हैं, अब लैरिंग्स से आगे क्या आएगा, लैरिंग्स से आगे देखो ऐसे, ये बिल्कुल रफ डायग्राम है पर हम चीजें यहां सीख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। लैरिंग्स से आगे ये एक ट्यूब सी आ जाएगी ना, एक ट्यूब सी आ जाएगी, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, है ना, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रेकिया बोल रहा हूं। ये हमारी क्या आ गई, ट्रेकिया आ गई, ये हमारी क्या आ गई, ट्रेकिया आ गई। अब ट्रेकिया से आगे क्या आएगा, ऐसे कुछ ऐसे बना लो, है ना, ये बिल्कुल रफ डायग्राम है, ये क्या आ जाएंगे, ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये लंग्स आ जाएंगे ना, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग इस तरीके से लगा सकते हो आप, ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे लंग्स आ जाएंगे, लंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बात की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आएगा, नोस्ट्रिल्स आएंगी, फेरिंग्स आएगी, लैरिंग्स आएंगी, ट्रेकिया आएगी, और क्या आएंगे हमारे लंग्स आएंगे, और क्या आएंगे हमारे लंग्स आएंगे। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट यहां पे लंग्स बना दिए, बट लंग्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, ब्रोंकियाई होती है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, अल्वियोलाई होती है, वो क्या देखते हैं, अब देखते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, नोस्ट्रिल्स आएंगी, फेरिंग्स आएंगी, लैरिंग्स आएंगी, ट्रेके आएंगे और लंग्स आएंगे। अब लंग्स मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों से मिलके बने हैं क्या, लंग्स बने हैं, ठीक है। उस पर हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें होती हैं और कैसे होती हैं। अब हम करने जा रहे हैं लंग्स, है ना, लंग्स हमारे कैसे बने होते हैं, ठीक है। देखो मैं फिर से एक रफ डायग्राम बनाऊंगा और उससे हमारी एक एक चीज, बेसिक से बेसिक चीज हमारी क्या है, पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या आ रही है, ये हमारी क्या आ रही है, ये ट्रेकिया आ रही है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये है ट्रेकिया, ये है ट्रेकिया, और ट्रेकिया से मैंने क्या ड्रॉ किए थे, नीचे लंग्स ड्रॉ किए थे। पिछला डायग्राम याद है ना, ट्रेकिया के नीचे क्या थे, लंग्स थे, और लंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम देखते हैं क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये ट्रेकिया यहां पे फिफ्थ, ये ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे, मैं फिर से एक एक चीजें लिख देता हूं, ये कौन सा लेवल है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे ट्रेकिया अपनी क्या कर गई, डिवाइड कर गई, है ना, राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में ये डिवाइड। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारी ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर चुकी है, ठीक है। अब जो ये डिवीजन हुई, ये पहली डिवीजन हुई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकियाई, है ना, ये भी क्या हो जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकियाई, है ना, ये क्या बन गई अपनी, प्राइमरी ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकियाई क्या है, फर्दर डिवाइड कर गई, है ना, बिल्कुल सेम, है ना, इधर जैसे चलेगा बिल्कुल सेम इधर भी वैसे ही चलेगा, प्राइमरी ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड कर गई, और प्राइमरी के बाद क्या बनेगी, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ये क्या बन गई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ये भी क्या बनेगी, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, और ये भी क्या बनेगी, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकियाई क्या है, फर्दर डिवाइड कर गई, ये भी क्या है, फर्दर डिवाइड कर गई, अब क्या बन जाएगी, देखो बिल्कुल सिंपल है, सेकेंडरी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये क्या बन जाएगी, टर्शियरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, ये
भी टर्शरी, ये भी टर्शरी, है ना, बिल्कुल अभी तक क्लियर है। देखो ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक पे डिवाइड की किस में, प्राइमरी में, फिर प्राइमरी के बाद डिवाइड की सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी के बाद डिवाइड की टर्शरी, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब टर्शरी फिर से फर्दर डिवाइड कर गई, लो भाई टर्शरी को फिर से डिवाइड करवा देते हैं, ये सब में हम डिवीजन करवा देते हैं, ये सब में डिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। अब किस में डिवाइड की, ये क्या बन गई, अब ये बन गई ब्रोंकियोल्स, ये क्या बन गई ब्रोंकियोल्स, ये बन गई ब्रोंकियोल्स, है ना, ये बोल लो कि हमारे इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं, ये हमारे इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। और इनिशियल के बाद फर्दर जो आगे ब्रोंकियोल्स बनेंगे, देखो आप ये सब में ड्रॉ करते रहना, जो भी आगे सेम ही चलेंगी ना, एक में चलिए वैसे सेम, है ना। ये थे मान लो अपने इनिशियल ब्रोंकियोल, और ये क्या बन जाएंगे हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल मतलब जहाँ पे ब्रोंकियोल्स हमारे टर्मिनेट मतलब खत्म होंगे, है ना। ये हमारे थे क्या इनिशियल ब्रोंकियोल, और ये क्या बन गए टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे क्या होगा, ऐसे डक्ट बना दो, ऐसे डक्ट बना दो। देखो मैं एक दो में बना के दिखा देता हूँ, आप सब में बना लेना, सब में ही बनेंगे, कॉमन सेंस है। ऐसे डक्ट बना दो, और इन डक्ट के आगे एक वैस्कुलर बैग लाइक, एक वैस्कुलर थैले जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर लगी होंगी, ऐसे लगी होंगी। देखो आप सब में लगा लेना, है ना, सब में कॉमन सेंस है, सब में ही लगेंगी, है ना। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो ये जो है ना, ये क्या है अपनी एल्वियोलर डक्ट, ये है एल्वियोलर डक्ट, और जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनी इसको हम बोल रहे हैं क्या, इसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये क्या है एल्वियोलर डक्ट, ये है एल्वियोलर डक्ट, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बनी, एक वैस्कुलर बैग लाइक सैक लाइक, है ना, बैग लाइक सैक लाइक थैले जैसी स्ट्रक्चर बनी, इसको हम क्या बोल रहे हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। मैं अब बताने जा रहा हूँ लंग्स किसको बोलते हैं, ठीक है, लंग्स किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे तो अपनी ट्रेकिया खत्म हो चुकी थी, अब लंग्स किसको बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस प्लस सेकेंडरी ब्रोंकस प्लस टर्शरी ब्रोंकस प्लस ब्रोंकियोल्स प्लस ये एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई, इस सब को मिला के क्या बोलते हैं हम लंग्स बोलते हैं। इतनी बातें हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ बातें यहीं पे समझ लेते हैं, हम बेसिक सी बातें, हमें क्या करना था, हमें ऑक्सीजन को अंदर पहुँचाना था, ऑक्सीजन को अंदर पहुँचाना था, और CO2 को क्या करना था, बाहर निकालना था, बाहर निकालना था, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमें काम करना है। अब ये कैसे होगा, देखो ये अल्वियोलाई हमारे पास आ गई, अब अल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज बोल लो तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ये अल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, है ना। अब हमने बोला था कि ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी तो क्या है, वो पूरी बॉडी में अब ये ब्लड फैल जाएगा, और सेम CO2 के लिए कि पूरी बॉडी से क्या होगा, ब्लड यहां पर आएगा और यहां से चली। देखो मैं फिर से इसको बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऑक्सीजन हमें अंदर घुसानी है, तो ऑक्सीजन यहां से आएगी, ट्रेकिया से आएगी, फिर ऐसे 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 ट्रेवल करती कहां जाएगी ऑक्सीजन, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन अब आ चुकी है। अब ऑक्सीजन कहां डिफ्यूज कर जाएगी, ये ब्लड कैपिलरी में, ऑक्सीजन कहां डिफ्यूज कर जाएगी, ये ब्लड कैपिलरी में। अब ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा, और हर सेल के, बॉडी की हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। और CO2 के लिए बिल्कुल उल्टा है कि बॉडी, बॉडी की हर सेल से CO2 कहां आएगी, ब्लड में आएगी, और यहां से डिफ्यूज होके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर निकल जाएगी, ना, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, बिल्कुल इतनी बातें समझ आती है। अब देखो एक और चीज जो NCERT में दी है वो भी मैं इसी डायग्राम में आपकी कवर करा देता हूं, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल है, हम कहां से चले थे, हम नोस्ट्रिल से चले थे, है ना, हम कहां से चले थे, हम कहां से चले थे, नोस्ट्रिल से चले थे। नोस्ट्रिल के बाद क्या आया था, अपना फेरिंग्स आया था, फिर क्या आया था, अपना लैरिंग्स आया था, फिर अपनी आई क्या ट्रेकिया, और फिर अपने आए अपने लंग्स आए, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, बात बोलने जा रहा हूं, यहां पे नोस्ट्रिल से लेके अल्वियोलाई तक हमें जाना है, नोस्ट्रिल से लेके अल्वियोलाई तक जाना है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। अब देखो इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में, है ना। पहला पार्ट कौन सा होगा, पहला पार्ट कौन सा होगा, जो जो इस अल्वियोलर डक्ट से ऊपर ऊपर है, मतलब कहने का मतलब क्या है, पहला पार्ट अपना कौन सा होगा, पहला पार्ट कि जो नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कौन सा होगा, पहला पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, अपना एल्वियोलर डक्ट, दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये वाला दूसरा पार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक बार इसको दोबारा करते हैं। देखो हमने क्या है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नोस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है, नोस्ट्रिल से लेके यहां तक, यहां तक,
यहां तक, इससे ऊपर ऊपर वाला पहला पार्ट है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। और दूसरा पार्ट क्या है, ये अपने पास क्या बच गया, ये अल्वियोलर डक्ट बच गई और ये अल्वियोलाई बच गया ना, यही तो बच गया। तो पहले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पहले पार्ट को हम नाम दे रहे हैं, नाम क्या दे रहे हैं, कंडक्टिंग पार्ट। पहले पार्ट को हम नाम दे रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट है ना। दूसरे पार्ट को हम नाम दे रहे हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट या बोल लो एक्सचेंजिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट या बोल लो एक्सचेंजिंग पार्ट। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो गैसेस का जो एक्सचेंज होना है ना, यहाँ ब्लड है, गैसेस का जो एक्सचेंज होना है वो किसके थ्रू होना है, ये अल्वियोलाई के थ्रू होना है, और इसीलिए इसको बोल दिया, अल्वियोलाई वाले पार्ट को हमने बोल दिया क्या, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेटरी मतलब जो एक्चुअल में रेस्पिरेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, अल्वियोलाई में हो रही है ना। अब ये कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, ये एक पाइपलाइन का काम कर रहा है कि बाहर से जो एयर आई उसको क्या कर रहा है, अल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। और कंडक्टिंग पार्ट के और भी फंक्शन एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। देखो पहला फंक्शन क्या, देखो हमारे नोस्टिल यानी नाक में हमारे छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। अब उनका काम क्या है, इंप्योरिटीज, उनका काम क्या है, इंप्योरिटीज को अंदर जाने से रोकना है ना। उसमें क्या होगा, हेयर्स में इंप्योरिटीज जो है वो रुक जाएगी, है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट का पहला फंक्शन क्या है, इंप्योरिटीज को रोकना, है ना। और इसका दूसरा फंक्शन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करेगी, है ना। मान लो बाहर बहुत गर्म एयर है या बहुत ठंडी एयर है, वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, उस एयर को बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगा, तब जाके अल्वियोलाई तक पहुंचाएगा, नहीं तो अल्वियोलाई क्या है, डैमेज हो सकती है। दूसरा फंक्शन क्या है, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे बाहर की एयर को लाना। और तीसरा फंक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना, ह्यूमिडिटी, है ना। कैसे, उसमें क्या होगी, कंडक्टिंग जोन में क्या होगी, म्यूकस सिक्रीट होगी, तो वो क्या ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगी, सूखापन नहीं होने, ड्राइनेस नहीं होने देगी। आपने देखा होगा ना, जब कई बार हमारे खांसी होती है, सूखी खांसी, तो पूरा ड्राई ड्राई हो जाता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो कंडक्टिंग पार्ट के हमने क्या किए, तीन फंक्शन किए, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है क्या, पहला क्या है इंप्योरिटीज को दूर रखना, दूसरा क्या है जो एयर आएगी उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे अल्वियोलाई तक पहुंचाना, और तीसरा क्या है, आने वाली एयर को ह्यूमिड रखना ना, उसको सूखा नहीं होने देना, ह्यूमिडिटी बनाए रखनी है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो ऐसे के ऐसे एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो ट्रेकिया से शुरू करते हैं, एक बार अपना जो फ्लो किया था, हम ट्रेकिया से शुरू करते हैं, ये अपनी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या आया, प्राइमरी ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई के बाद क्या आया, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, उसके बाद आया टर्शरी ब्रोंकियाई, और फिर क्या आए, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आए थे, याद करो, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या थे, अल्वियोल, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेकिया से लेके अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल, ये मैं फिर से वर्ड पे इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ट्रेकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक क्या प्रेजेंट होती हैं, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, इसको हम याद रखेंगे। और ये रिंग कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट नहीं मतलब ये एक, देखो ये क्या है, एक कंप्लीट रिंग है, और मैं ऐसे कर दूं तो क्या है, ये इनकम्प्लीट रिंग है, तो ये जो होती है वो इनकम्प्लीट रिंग होती है, इनकम्प्लीट, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो मान लो ये क्या है, अपने लंग्स है, ये अपनी ट्रेकिया आ रही थी, और ये मान लो अपने लंग्स है, ये मान लो अपने लंग्स है, ठीक है। अब लंग्स के बाहर क्या होती है, एक कवरिंग होती है, लंग्स के बाहर क्या होती है, ये देखो ये एक कवरिंग होती है, ये एक कवरिंग होती है, और ये कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ये कवरिंग कैसी होती है, ये डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। लंग्स के बाहर एक डबल लेयर्ड एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा, ठीक है। अब प्लूरा देखो ये क्या है, प्लूरा की इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है प्लूरा की आउटर मेम्ब्रेन, है ना, ये इनर लेयर ये आउटर लेयर। अब इस दोनों लेयर प्लूरा की दोनों लेयर्स के बीच क्या भरा होता है, फ्लूड भरा होता है। प्लूरा की दोनों लेयर के बीच फ्लूड भरा होता है और इस फ्लूड को क्या बोल देंगे, बिल्कुल नाम से ही कवर हो रहा है, प्लूरल की मेम्ब्रेन के बीच जो फ्लूड है उसको क्या बोल देंगे, प्लूरल फ्लूड बोल देंगे, प्लूरल फ्लूड, है ना, प्लूरल फ्लूड। अब इसका फ्लूड का फायदा क्या होगा, फ्लूड का फायदा यहाँ क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। देखो फ्लूड है तो क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ये याद रखेंगे दोनों चीज। अब हम बात करने वाले हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है। देखो हम पहले इंस्पायरेशन को समझ लेते हैं, हमें एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, और कैसे आ जाएगी वो मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारे क्या है, ये हमारे लंग है ना, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इंस्पायरेशन नाम से ही कवर हो रहा है कि इंस्पायरेशन मतलब हम एयर को अंदर लाना चाहते हैं। देखो ये हमारे पास एयर है, इसको हम अंदर लाना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंस्पायरेशन, और एयर को लंग्स से बाहर बाहर की तरफ रिलीज करना वो क्या होती है, एक्सपायरेशन, बिल्कुल ये तो कॉमन सेंस है। अब ये एयर कहां प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इंस्पायरेशन के लिए इंस्पायर करना है, इस एयर को इंस्पायर करना है, मतलब इस एयर को यहां अंदर लाना है, इस एयर को यहां अंदर लाना है, ठीक है। हमें ये एयर कहां चाहिए, यहां चाहिए लंग्स के अंदर, बिल्कुल ठीक है, उसी को हम बोल रहे हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब आपको पूछना चाहिए कि हम ऐसा यहां कैसी कंडीशन क्रिएट करें, है ना, हम लंग्स के अंदर ऐसा क्या कर दें कि ये एयर जो है ये लंग्स के अंदर आ जाए, है ना, हम यहां पर ऐसी क्या कंडीशन क्रिएट करें कि ये एयर यहां लंग्स के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मैं अब एक चीज बोलने जा रहा हूं कि अगर हम लंग्स के अंदर लो प्रेशर कर दें और बाहर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, ये कंडीशन क्रिएट कर दें तो चीजें क्या होंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑटोमेटिकली आएंगी। अगर हम लंग्स के अंदर लो प्रेशर मतलब एक तरीके से नेगेटिव प्रेशर कंडीशन, नेगेटिव मतलब एक तरीके से अंदर लो प्रेशर हो जाएगा तो एक तरीके से एक सक्शन सिस्टम बन जाएगा ना, सक्शन सिस्टम, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने से क्या होंगी, चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है। और आपने ये बात मान ली, हाँ भाई ठीक है, हम अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो आपको अब पूछना चाहिए कि तूने ये तो बोल दिया कि लो प्रेशर क्रिएट कर देंगे, पर करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा कि हमने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी आपने देखा होगा, ये वाली इक्वेशन देखी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पे एन कॉमन, आर भी कॉमन होता है और टी टेम्परेचर कॉमन होता है ना, हम कॉमन टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। अब हमें लंग्स के अंदर प्रेशर को क्या करना है, घटाना है, कम करना है, तो प्रेशर को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, हमें लंग्स के अंदर प्रेशर को घटाने के लिए लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। इतनी सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि तूने ये तो बोल दिया कि वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, पर बढ़ाएंगे कैसे, फिर से, है ना, आपने फिर से क्वेश्चन किया कि वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं कि इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि हम मसल लंग्स में जो भी मसल्स प्रेजेंट है उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के क्या कर लेंगे, हम अपनी वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो क्या है, एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। अब कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो एक आपको याद रखनी है क्या, डायफ्राम, एक तो होगी डायफ्राम और दूसरी कौन सी होगी, इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी क्या है, इंटरकोस्टल मसल। देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स के बीच में जो मसल है उनको हम बोल रहे हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, पर उसमें आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो, सिर्फ इतना याद रखो दो मसल, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, कौन सी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल। अब इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये वॉल्यूम अपनी
कितनी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर हाई प्रेशर अंदर लो प्रेशर, तो एयर अपनी अंदर आ जाएगी, एयर अपनी अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब ये वॉल्यूम बढ़ती कैसे है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो जब डायफ्राम, देखो ये हमारा डायफ्राम है, ये रेड कलर में मैंने इधर बना दिया, ये हमारा डायफ्राम है और ये अभी कैसा है, ये डोम शेप है, ये अभी नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये डोम शेप है रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है। अब इसको जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, इसमें डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऐसे फ्लैट होने की कोशिश करेगा, ये ऐसे फ्लैट होने की कोशिश करेगा, है ना। तो देखो यहां पे क्या थी, इस लंग की वॉल्यूम कम थी, अगर ये स्ट्रक्चर अगर फ्लैट हो जाए तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, सिंपल सी बात हम कर चुके, ठीक है। तो डायफ्राम ने क्या किया, डायफ्राम ने क्या किया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि डायफ्राम ने जो वॉल्यूम बढ़ाई वो किस डायरेक्शन में बढ़ाई, डायफ्राम ने जो वॉल्यूम बढ़ाई वो किस डायरेक्शन में बढ़ाई, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ाई, है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे डायफ्राम ने वॉल्यूम बढ़ाई, ठीक है। दूसरी हमने बात की इंटरकोस्टल मसल, देखो इंटरकोस्टल मतलब जो रिब्स के बीच में होंगी, है ना, कुछ इस तरीके से होंगी, इनको कुछ इस तरीके से समझो, ये अपनी क्या है, इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल, ठीक है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो कैसे बढ़ेगी, ये अपनी है व्हाइट पेज, है ना, ये व्हाइट पेज के ऊपर बढ़ेगी और व्हाइट पेज के नीचे, है ना, इस चीज को यहां पे समझो, इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, व्हाइट पेज के ऊपर और नीचे, है ना। तो मतलब ये इंटरकोस्टल मसल कैसे बढ़ाएंगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगी, डोर्सो वेंट्रली, डोर्सल मतलब ऊपर की साइड, वेंट्रल मतलब नीचे की साइड, बिल्कुल इतनी बातें हमें समझ आती है। और डायफ्राम ने कैसे बढ़ाई थी, डायफ्राम ने ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि डायफ्राम कैसे बढ़ाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर, और इंटरकोस्टल कैसे, डोर्सो वेंट्रली, बिल्कुल इतनी बातें हमें समझ आती है, ठीक है। अब बिल्कुल ये हमने इंस्पायरेशन देख लिया कि अब क्या होगी, एयर अंदर आ जाएगी। अब देखते हैं क्या एक्सपायरेशन, देखो एक्सपायरेशन में क्या करना है, हमें ठीक इसका ऑपोजिट करना है ना, हमने यहां क्या की थी, एयर को अंदर लाए थे, और एक्सपायरेशन में हमें एयर को कहां करना है, बाहर भेज, तो एयर को जब हम बाहर भेजेंगे तो सिंपल सी बात है हमें क्या चाहिए, फिर से वही कंडीशन है कि बाहर हमें चाहिए लो प्रेशर, अंदर चाहिए हाई प्रेशर, क्योंकि अब की बार हमें क्या करना है, चीजें बिल्कुल ऑपोजिट करनी है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, तो अंदर हाई प्रेशर चाहिए, तो बिल्कुल इसका पूरा जितना भी कुछ हुआ है इसका ऑपोजिट कर देंगे, कि हाँ यहां क्या हुई थी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, हम एक्सपायरेशन में क्या कर देंगे, मसल्स को क्या करा देंगे, मसल्स को रिलैक्स करा देंगे, मसल को रिलैक्स करा देंगे एक्सपायरेशन में। रिलैक्स मतलब क्या, ये जो डायफ्राम जो ये फ्लैट हो चुका था, हम दोबारा से इसको ऐसा डोम शेप बना देंगे, ये फ्लैट हुए के दोबारा डोम शेप बना देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वॉल्यूम का डिक्रीज करना है, क्योंकि हमें प्रेशर अंदर बढ़ाना है, और ये इंटरकोस्टल मसल भी जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी ये भी रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, ये कुछ ऐसे ऊपर आ चुकी थी ये भी रिलैक्स हो जाएंगी, ये भी रिलैक्स हो जाएंगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, है ना। फिर क्या होगा, ऑपोजिट होने से अंदर हाई प्रेशर बाहर लो प्रेशर, तो क्या होगी, जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ चली जाएगी, है ना, जो भी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक है। अब ये जो हमने की कि इंस्पिरेशन की एक्सपिरेशन की, है ना, अब यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है ये कि ये हमारी क्या हो रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, ये जो हमने किया अभी ये क्या है, हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हम इनकी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मतलब ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मतलब हम फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली भी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम एक्स्ट्रा सांस लें या एक्स्ट्रा सांस छोड़ दें, है ना, अपना फोर्स लगा के, तो उस वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है अबडोमिनल मसल की हेल्प से, फोर्सफुल ब्रीदिंग किसकी हेल्प से, अबडोमिनल मसल्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, कि नॉर्मल से ज्यादा सांस लें या नॉर्मल से ज्यादा सांस छोड़ दें अबडोमिनल मसल्स की हेल्प से। एक एक चीज मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं कि आपको साथ साथ चीजें याद हो जाए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फोर्सफुल ब्रीदिंग किससे, अबडोमिनल मसल्स की हेल्प से क्या होगी, फोर्सफुल ब्रीदिंग, है ना, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो कृपया करके उस नींद को दूर भगा दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का डिक्टेट कर रहे हैं, है ना, और इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको साथ में सारी चीज़ें याद हो जाएं, आपके लिए बाद के लिए कुछ भी ना बचे, साथ में ही याद करके जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, मीटर है तो मतलब ये कुछ नापने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है कुछ मेजर करने
करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंस्पायरेशन पढ़ी, एक्सपायरेशन पढ़ी, मतलब क्या है, हम हवा को अंदर ले रहे हैं बॉडी के और बॉडी से बाहर छोड़ रहे हैं। तो जितनी हवा अंदर ली या जितनी बाहर छोड़ी उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो स्पायरोमीटर, एस्टीमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना, कितनी हवा अंदर जा रही है कितनी बाहर जा रही है और किस, ये सब नापने के लिए, सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट। देखो ब्रीदिंग रेट सिंपल है, एक हेल्दी ह्यूमन, एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है, कि एक मिनट में कोई एक मिनट में कोई हेल्दी इंसान कितनी बार सांस लेता है नॉर्मली, है ना, उसको हम बोले ब्रीदिंग रेट, कितनी बार, 12-16 टाइम, 12 से 16 बार सांस लेता है एक हेल्दी ह्यूमन एक मिनट में, ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। देखो पहले सिर्फ वॉल्यूम्स लिख लेते हैं, वॉल्यूम्स कौन सी अपने पास, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी होती है, उसको अलग से बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या लगानी है, देखो टाइडल वॉल्यूम को कर देना है गुना दो और इसको कर देना है गुना तीन, इसको कर देना है गुना दो, इसको कर देना है गुना तीन और इक्वल का साइन लगा देना है, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम हमें सबको लगभग सबको याद होती है कि 500 ml होती है। अब टाइडल वॉल्यूम होगी 500 ml, इसको गुना दो कर दिया तो बन जाएगी ERV, जो कितनी हो जाएगी लगभग 1000 ml। NCERT में 1100 ml है पर इससे अपना याद आ जाएगा 1000 ml। अब 1000 को गुना तीन कर दिया तो कितना हो जाएगा 3000 ml, है ना, ये भी लगभग याद आ जाएगी 2500 से 3000। तो टाइडल वॉल्यूम 500 से याद आ गई, ERV 1000 से और IRV 300 से। अब देखते हैं इसको रेजिडुअल वॉल्यूम को कैसे याद करना है। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम का जो R है इसको सेपरेट कर देना है, R को अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा 12 मतलब ये हो गई 1200 ml, क्लियर है। अब ये हमारे पास चार वॉल्यूम्स आ गई, टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब जितनी भी कैपेसिटीज बनेंगी इनको मिला जुला के बनेंगी। अब देखो कैसे बनेंगी कैपेसिटीज, कि टाइडल वॉल्यूम और ERV को मिला दूं तो क्या बन जाएगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और दूसरा केस टाइडल वॉल्यूम और IRV को मिला दें तो क्या बन जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखो अब दो कैपेसिटी होती है, एक होती है वाइटल कैपेसिटी, एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल यहां पे नाम में ही आ रहा है, टोटल में टोटल वॉल्यूम्स मिला दो, क्लियर है। और वाइटल में क्या होगा, रेजिडुअल मतलब जो बच गई, जो बच जाती है नॉर्मली यूज नहीं होती, रेजिडुअल वाइटल में सिर्फ जरूरी लेनी है, बची हुई नहीं लेनी, मतलब ये तीनों हम जोड़ देंगे, क्लियर है। अब हम कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन, है ना, इनकी डेफिनेशन जो NCERT में लिखी हुई है। सबसे पहले क्या है, टाइडल वॉल्यूम देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण तरीके से सांस लेना, है ना, जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे आसानी से सांस लेना है। तो बिल्कुल नॉर्मल सांस लेने में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर गई या बाहर आई, है ना, नॉर्मल सांस लेने में हमने जितना इंस्पायर किया या फिर एक्सपायर किया वो हो जाए अपनी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इसका नाम से ही कोशिश करो, देखो इंस्पिरेटरी मतलब हम इंस्पायर कर रहे हैं, रिजर्व मतलब वो रिजर्व पड़ी है, है ना, रिजर्व पड़ी है मतलब हम नॉर्मली उसको इंस्पायर नहीं कर रहे, वो रिजर्व है मतलब इतना हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम फोर्सफुली, है ना, जब जबरदस्ती हम लंबा सांस अंदर खींचेंगे, फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे, तो जो टाइडल वॉल्यूम, देखो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल में तो आई रही थी तो टाइडल वॉल्यूम तो आएगी और टाइडल वॉल्यूम के एडिशनल जो हम इंस्पायर कर सकते हैं उसको बोल देंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, नाम से हो रहा है कि एक तरीके से ये बाहर एनवायरमेंट में रिजर्व पड़ी थी मतलब इसको हम ले सकते हैं। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि टोटल, है ना, हमने लंबा सांस अंदर खींचना है, टोटल फोर्सफुली इंस्पिरेशन करनी है, तो टोटल जितना हम इंस्पायर कर रहे हैं मतलब ये प्लस ये, है ना, उसमें नॉर्मल भी ऐड हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
और ये भी बिल्कुल सेम इसी के तरीके से करना है। देखो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हम रिजर्व मतलब इतना एक्सपायर कर सकते हैं ना, हमें क्या करना है फोर्सफुली एक्सपायर, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। तो टाइडल वॉल्यूम देखो नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो बाहर जा ही रहा है अपना, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम से अलग एडिशनल जितना हम बाहर एयर भेज सकते हैं वो क्या हो जाएगी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कैपेसिटी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि टाइडल वॉल्यूम भी इसी में ऐड करके अगर हम बात करें एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ऐड कर दे तो वो हो जाएगी एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब एक चीज आती है फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम। देखो मैं इसी में बता दूंगा रेजिड्यूअल वॉल्यूम भी क्या होती है। देखो रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल का मतलब क्या होता है जो बच गई, रेजिड्यूअल मतलब जो बच गया। तो सिंपल सी बात है रेजिड्यूअल वॉल्यूम वो एयर होती है जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आ सकती, जो कभी भी लंग्स से बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। अब यहां देखो हम नॉर्मल सांस ले रहे थे तो हम कितना एक्सपायर कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम के जितना एक्सपायर कर रहे हैं, बट एडिशनल हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना, मतलब ERV भी हमारी लंग्स के अंदर पड़ी है ना, हम नॉर्मली ERV को बाहर नहीं भेज रहे, बाहर एक्सपायर नहीं कर रहे, बट इतना भी हम कर सकते हैं। देखो ये तो हमेशा लंग्स में रहेगी और ये भी लंग्स में पड़ी है, ये लंग्स में क्यों पड़ी है क्योंकि हम इसको सिर्फ फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, नॉर्मली नहीं निकालते। तो ये टोटल जितनी लंग्स में पड़ी है मतलब फंक्शनल रेजिड्यूअल वॉल्यूम, देखो इसको बिल्कुल नाम से समझो, फंक्शनल मतलब जब हमारे लंग्स बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तब जितनी रेजिड्यूअल वॉल्यूम लंग्स में पड़ी है, रेजिड्यूअल मतलब बची हुई है ना, कितनी बची हुई है रेजिड्यूअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इतनी सी बातें हैं। थोरेसिक चैम्बर, देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये एक इंसान है कोई भी इंसान है, इसका कुछ भी आप नाम रख दो आपकी मर्जी, ये एक इंसान है और इस इंसान के पास ये लंग्स हैं। देखो ये मैंने क्या बनाया, एक रफ सा डायग्राम बनाया, ये इसके पास लंग्स है, ठीक है, और इन लंग्स से ये एक इंसान क्या कर रहा है सांस ले रहा है, नॉर्मली सांस ले रहा है और ये बेचारा बहुत खुश है, ठीक है। अब अगर इस इंसान का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जाता है तो इन लंग्स के पास क्या है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है ना, वो प्लूरा है पर प्लूरा इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती पर कि वो एक्सीडेंट से बचाने, है ना। तो इसके पास कोई हार्ड प्रोटेक्शन नहीं है, कोई बोलते हैं ना कि मजबूत इसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, है ना, और इसके एक्सीडेंट हो गया तो इसके कहीं भी लंग्स जो है बेचारे के पिचक जाएंगे क्योंकि लंग्स तो सॉफ्ट से होते हैं ना, प्लूरा इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होती ना कि एक्सीडेंट से बचा ले। तो ऐसी एक्सीडेंट से और या भी किसी भी चीज से बचाने के लिए क्या चाहिए हमें लंग्स के बाहर, क्या चाहिए एक तगड़ी प्रोटेक्शन चाहिए, एक मजबूत प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे हड्डियों की प्रोटेक्शन या मसल्स की प्रोटेक्शन, हमें बोन्स की प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसी टाइप की प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है लंग्स को, थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर सिंपल सी बात है, थोरेसिक चैम्बर एक चैम्बर है लंग्स के अराउंड, एक चैम्बर है जो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तगड़े वाली प्रोटेक्शन, मतलब इसमें बोन्स होंगी, इसमें मसल्स होंगी, सिंपल सी बात। ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। ये वर्ड NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। अब थोरेसिक चैम्बर कैसे कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, कैसे कैसे बनेगा। देखो कुछ बातें मैं GK वाली, जनरल नॉलेज वाली आपको समझा देता हूं यहां पे। देखो ये एक इंसान है ना, और ये हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है ना, हमारी तरफ मतलब ये इसकी चेस्ट वाला रीजन है, ये इसकी चेस्ट वाला रीजन है, और इसका अगर ये उधर मुंह करके उस साइड कॉपी वाली साइड मुंह करके खड़ा हो जाए, इस पेज वाली साइड ये मुंह करके खड़ा हो जाए, मतलब हमें इसकी कमर, इसकी बैक नजर आएगी, है ना। इतनी बातें हमें समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक GK की बात है, देखो ये चेस्ट वाली साइड है तो यहां पे क्या होगी, स्टर्नम होगी, यहां पे कौन सी बोन होगी, स्टर्नम होगी, स्टर्नम, ठीक है। और ये उधर मुंह कर ले, मतलब ये पिछली साइड मुंह कर ले तो बैक में क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी ना, पीछे की साइड क्या होगी, इधर बिल्कुल बीच में वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फ्रंट साइड में क्या होगी, स्टर्नम होगी, और बैक साइड में क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी। इतनी
कितनी बातें हमें समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो जो फ्रंट वाली हमारी साइड होती है ना, हम उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। बॉडी की जो फ्रंट वाली साइड है ना, अपनी चेस्ट वाली साइड, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। और जो कमर वाली बैक वाली साइड है उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। इतनी बातें हमें समझ में आती है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो चीजों को समझ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। देखो फ्रंट में चेस्ट वाली साइड क्या है, स्टर्नम है, और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम तक ऐसे लेटरली क्या जाएंगी, रिब्स जाएंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, स्टर्नम से रिब्स निकलेंगी, इस साइड भी सेम जाएंगी ऐसे, स्टर्नम से रिब्स निकलेंगी और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम पे क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। ठीक है, लेटरल साइड से जाएंगी। इतनी बातें हमें समझ में आती है। ठीक है, अब देखो थोरेसिक चैम्बर किस किस से मिलके बना होता है, ये देखते हैं। देखो थोरेसिक चैंबर में डोर्सली क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पीछे क्या होगा, डोर्सल साइड यानी कमर वाली साइड पे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रली, वेंट्रल साइड कौन सी होती है, अपनी चेस्ट वाली, यहां पे क्या होगा, स्टर्नम होगा। ये भी हम कर चुके हैं, यहां पे वेंट्रल साइड पे क्या होगी, स्टर्नम। ठीक है, ये प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रोटेक्शन है। और लेटरल साइड पे क्या होंगी, रिब्स होंगी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिब्स स्टर्नम से लेके वर्टिब्रल कॉलम तक जाएंगी, रिब्स होंगी। और लोअर साइड पे क्या है, ये इधर क्या होगा, ये हमने पहले भी कर चुके हैं ना, उस पर किया था हमने, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में किया था। ये क्या है, डायफ्राम। लोअर साइड पे क्या होगा, डायफ्राम होगा। इतनी बातें, ये प्रोटेक्शन हमारे पास है। ठीक है, डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, लेटरल पे रिब्स और लोअर साइड पे डायफ्राम। ठीक है, अब यहां पे एक ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये बोन्स हैं, ये बोन्स हैं, ये बोन्स है, बट डायफ्राम क्या है, एक मसल होती है। इस बात को हम याद रखेंगे, डायफ्राम बोन नहीं है, डायफ्राम मसल है, और ये तीनों क्या है, बोन है। तो ये मिलजुल के क्या बना देंगे, एक चैंबर बना देंगे, है ना। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां पे कैसे फ्लो होगा, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, ये मैं अपना हार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं अपना हार्ट, अपना दिल बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने दिल बना दिया। अब दिल में क्या होता है, हमें पता है क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा अपना, मान लो ये है अपना राइट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। और यहां मैंने क्या बना दिए, मान लो ये मैंने बना दिए लंग्स बना दिए, ये मैंने अपने लंग्स बना दिए, और यहां मैंने बना दिया टिश्यू बना दिए, टिश्यू बना दिए, टिश्यू में क्या होंगी अपनी, बहुत सारी सेल्स होंगी, ये हमने टिश्यू बना दिया। ठीक है, अब हमें एक बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि हमने क्या किया था अभी तक, हमने क्या किया कि हमने इंस्पिरेशन की, इंस्पायर किया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई, ऑक्सीजन अंदर आई। और ऑक्सीजन कहां पर चाहिए हमें, इन सेल्स में चाहिए, क्योंकि हमने किया था ना कि हम ऑक्सीडेशन करने वाले, तो इन सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ऐसे अंदर आएगी और इन तक पहुंचानी है। ठीक है, और हमने क्या किया था कि ये जो सेल्स होंगी, ये जो टिश्यू है, ये CO2 को रिलीज करेगा, और CO2 हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है, तो CO2 को हमें बाहर निकालना है। तो इतनी बातें हमें समझ आ गई कि हमें लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लाके पूरी बॉडी में फैलाना है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ठीक है, और CO2 को हमें बाहर निकालना, और ये हम किस में काम कर रहे हैं, सारा ब्लड में कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड ही ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में फ्लो होता है और एक एक बॉडी की एक एक सेल तक पहुंच पाएगा। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें हमने क्लियर की। अब देखो होगा क्या, मान लो ये ऑक्सीजन बाहर थी, ये अंदर आई लंग्स के थ्रू, ये लंग्स के थ्रू अंदर आई, और यहां पे क्या है, अपनी ब्लड वेसल है, ये अपनी ब्लड वेसल है, जो डायरेक्ट कहां खुल रही है, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये अपनी ब्लड वेसल है। अब ये क्या है, ऑक्सीजन इस ब्लड में आ गई, ये ऑक्सीजन इस ब्लड में आ चुकी है। तो ये देखो, ये ब्लड कैसा है, यहां पे ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन वाला है। ऑक्सीजन वाला मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। तो ये राइट एट्रियम के बाद कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये बॉडी की सारे टिश्यू में, बॉडी की सारे सेल्स में। ठीक है, ये भी कैसा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये भी कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये जो टिश्यू है, ये जो सेल्स हैं, ये इस ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी, इस ऑक्सीजन को खत्म कर देंगी, और क्या होगा, इसमें जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड में क्या कर देंगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगी। सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन आई किस लिए आई, क्योंकि इन सेल्स को, इनको यूज करना था, तो ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगी, और निकलेगा क्या, वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी। ठीक है, अब यहां सेल्स
से, टिश्यू से एक ब्लड वेसल गई, कहाँ पे गई, लेफ्ट एट्रियम में गई। और इसमें क्या है, बहुत सारी CO2 है ना, ऑक्सीजन तो हमने यूज कर ली और वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकला, CO2 निकली। तो इस ब्लड में क्या है, बहुत सारी CO2, तो CO2 मतलब ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोले इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, टिश्यू से कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ जाएगा, बाद कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स से क्या है फिर CO2 अपनी बाहर निकल जाएगी, है ना। ये हमने क्या किया था कि ऑक्सीजन तो अंदर आई और CO2 बाहर निकल गई, यही चीजें हम इसमें कर रहे हैं, सिंपल सी बातें हैं। अब यहाँ पे इसी डायग्राम से आपको कुछ कॉमन सेंस की बातें समझ आ जानी चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और डी ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, और डी ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजनेटेड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। बिल्कुल इतनी बातें हमें बेसिक सी समझ आ जानी चाहिए। एक देखो ये छोटी सी टेबल NCERT में दी हुई है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है यार, याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। पर इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, देखो एटमॉस्फेयर में हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा, और एल्वियोलाई में भी क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा, बट एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एल्वियोलाई में क्या हुआ, थोड़ा सा ऑक्सीजन ये कम होगी, 159 थी 104 होगी, बट CO2 के कंपैरिजन में क्या है, एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा है और एल्वियोलाई में भी ज्यादा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो सिंपल सी बात है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होगी ज्यादा 45 और ऑक्सीजन हो गई कम कितनी 40, है ना, क्योंकि टिश्यू ने उसको यूज कर लिया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो अभी तक ऑक्सीजन को टिश्यू ने यूज नहीं किया है तो ऑक्सीजन होगी ज्यादा कितनी 95 और CO2 होगी कम, थोड़ी कम कितनी 40, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और टिश्यू की बात करें तो टिश्यू की बात करें तो ऑक्सीजन कहा है, टिश्यू में अब यूज हो चुकी है, मतलब कम हो गई, कितनी हो गई 40 हो गई, और CO2 क्या है, टिश्यू क्या करेगा, CO2 को बनाएगा, और कितनी है यहां पे 45 है, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, देखो मजे की बात यहां पे याद रखना कि CO2 सिर्फ एटमॉस्फेयर में 0.3 है, बाकी CO2 कैसे चल रही है, 40 45 चल रही है ना, 45 कहां पे होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि वहां पे CO2 ज्यादा होती है, और टिश्यू में होगी क्योंकि टिश्यू ने तो CO2 को बनाया ही है, सिंपल सी बात है, और 40 इसकी मिनिमम वैल्यू है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ऑक्सीजन में हमें यहां ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है, 159 के बाद कहां पहुंची ऑक्सीजन, अल्वियोलाई में पहुंची 104, फिर कहां पहुंचती है, देखो ये फ्लो थोड़ा गलत दिया हुआ है इसमें, फिर कहां पहुंचती है ऑक्सीजन, कहां पहुंचती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंचती है, तो 104 से थोड़ी और कम हो गई, 95, ठीक है। अब कहां पहुंची, वो टिश्यू में पहुंची, टिश्यू ने उसको यूज कर लिया, और टिश्यू ने यूज कर लिया तो अब वो बिल्कुल कम हो गई, 40 हो गई, और बिल्कुल 40 वो ब्लड में कहाँ आ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई, और फिर यहाँ पे लंग्स में पहुँच गई, और लंग्स में उसको फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब नेक्स्ट देखो हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या किया था, देखो बहुत सिंपल बेसिक तरीके से जो अब तक किया है उसी को बस रिवाइज करना है। देखो एयर कहाँ से, एयर यानी ऑक्सीजन मान के चलो, ऑक्सीजन क्या है, अपनी अंदर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है। पहले कहाँ आएगी, नोस्ट्रिल में आएगी, फिर कहाँ फेरिंग्स में आएगी, फिर कहाँ लैरिंग्स में आएगी, फिर कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, फिर क्या अपनी वो आई थी जो ब्रोंकियाई आई थी, ब्रोंकियोल्स आए थे, फिर क्या आया था अपना अल्वियोलाई आई थी, फिर अपनी ठीक है। अब यहां पे क्या है, अपनी ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को हमें कहां पहुंचाना है, बॉडी की एक एक सेल के पास पहुंचाना है। तो बॉडी की एक एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमने क्या किया था कि हम ऑक्सीजन को ब्लड, ये है क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी, हमने क्या किया था कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को कहां, ब्लड में मिला देते हैं, और ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो
ऑटोमेटिकली क्या है, वो ऑक्सीजन बॉडी में पूरी सेल्स के पास चली जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए हमने क्या किया था कि ये ब्लड देखो, ये मान लो ब्लड ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और इधर को ये जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन आई तो ये ऑक्सीजन को ले जाएगा और ये इधर कहां से आ रहा है, सेल से आ रहा है। देखो देखो, बॉडी के टिश्यू से ये आ रहा है और बॉडी के टिश्यू की तरफ ही ये जा रहा है। तो टिश्यू से क्या आएगा, ये CO2 को लेकर जाएगा, है ना। टिश्यू से यहां तक ये किसको लेके आएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड सेम ऐसे बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे अंदर आ जाएगी और बॉडी के हर टिश्यू के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, देखो गैसेस क्या होंगी, देखो यहां से यहां डिफ्यूज हो रही है, यहां से यहां डिफ्यूज हो रही है और यहां से यहां डिफ्यूज हो रही है। जो ऑक्सीजन है वो अल्वियोलाई से ब्लड की तरफ क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से अल्वियोलाई की तरफ डिफ्यूज हो रही है ना। सिंपल क्या है, डिफ्यूजन करनी है। सिंपल क्या करनी है, डिफ्यूजन करनी है। गैस है तो गैस क्या करती है, डिफ्यूजन ही करती है, सिंपल सी बात है। कोई एनर्जी का खर्चा इधर नहीं होता, फ्री मूवमेंट है बिल्कुल, ठीक है। अब यहां बात की गई है एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अपनी क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, मतलब एक तरीके से लेयर्स हैं। यहां पे तीन लेयर हमें नजर आएंगी, तीन लेयर जिनको क्रॉस करके ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को जाना पड़ेगा। ये तीन लेयर है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब ये तीन कौन सी लेयर है, देखो पहली लेयर तो ये अल्वियोलाई वाली होगी, ये पहली लेयर है अल्वियोलाई वाली ब्लैक कलर में, ठीक है। ये किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी है। ये हम उस टिश्यू वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। ये किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथीलियम की अल्वियोलर पर, ठीक है। अब ये ब्लू वाली कौन सी हो जाएगी, ये ब्लड कैपिलरी वाली हो जाएगी, है ना। ब्लड वेसल वाली बोलो या ब्लड कैपिलरी वाले बोलो अच्छा रहेगा। ये ब्लड कैपिलरी वाली है, ये ब्लू वाली, ये क्या हो जाएगी, एंडोथीलियम। ये भी हम टिश्यू वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि ब्लड वाली कौन सी होती है, एंडोथीलियम। ये ब्लू वाली क्या है, एंडोथीलियम। और तीसरी क्या है, दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगी वो क्या हो जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने क्या किया कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो ट्राई लेयर्ड है, तीन लेयर की बनी हुई है ये अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। पहली कौन सी, ये अल्वियोलाई वाली स्क्वेमस एपिथीलियम, और बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कौन सी है, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम ब्लू वाली। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। हमने डिफ्यूजन देख लिया कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। देखो सिंपल सी बात है, अब ट्रांसपोर्ट भी तो करना है कि ब्लड में भी क्या है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी, RBC के थ्रू कौन सी जाएगी, WBC के थ्रू कौन सी जाएगी, या प्लेटलेट के थ्रू कौन सी जाएगी, या प्लाज्मा के थ्रू कौन सी जाएगी, ये हम देख लेते हैं कि कौन सी गैस का कैसे डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, है ना, कि आगे ब्लड में गैसेस हैं, अब ब्लड में कैसे ट्रेवल करती है। ये सिंपल है कि ब्लड में गैसेस कैसे ट्रेवल करेंगी, है ना, ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करेगी और CO2 ब्लड के अंदर कैसे ट्रेवल करेगी, है ना। ब्लड में भी तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट है, RBC है, प्लाज्मा है, WBC है, प्लेटलेट है, तो कौन सी किस पे बैठ के जाएगी, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन क्या है, 97% RBC के थ्रू जाती है। ऑक्सीजन जो है 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC के ऊपर बैठ के जाती है, और जो 3% बची वो कैसे जाएगी, प्लाज्मा में डिजोल्व। देखो जहां पे प्लाज्मा वर्ड आ जाए उसको डिजोल्व भी हम यूज कर सकते हैं ना, प्लाज्मा के लिए ही वर्ड यूज होता है डिजोल्व फॉर्म, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात हमने की कि ऑक्सीजन 97% RBC के ऊपर बैठ के जाएगी और 3% प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये हम फ्लो समझ लेते हैं, अब यहां पे हम एक फ्लो समझ लेते हैं। देखो ऑक्सीजन कहां डिफ्यूज हो गई, ब्लड में, है ना। ऑक्सीजन कहां, यहां अल्वियोलाई से डिफ्यूज होके कहां आ गई, ब्लड में आ गई। अब ब्लड के अंदर क्या होती है, RBC भी होती है, WBC भी, प्लेटलेट भी, सब कुछ होता है ना। ब्लड के अंदर क्या है, RBC है, और RBC के ऊपर क्या लगा होता है, हीमोग्लोबिन लगा होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन अंदर आई कहां पे, ब्लड में आई। अब ब्लड में ऑक्सीजन को दिखा RBC, और RBC के ऊपर ऑक्सीजन को क्या दिखा, हीमोग्लोबिन दिखा। अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बहुत गहरा संबंध है। ये ऑक्सीजन क्या है, डायरेक्ट इस हीमोग्लोबिन पे बैठ जाएगी, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके क्या बना देंगे, देखो ये है ऑक्सी और ये है हीमोग्लोबिन, ये है ऑक्सी और ये है हीमोग्लोबिन, क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए,
चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो मैं अब इसका आंसर देने जा रहा हूं। देखो, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन, चार O2 के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि चार मॉलिक्यूल। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के एटम्स को कैरी कर सकता है, जब एटम आए तो कितने हो जाएंगे, देखो मॉलिक्यूल में क्या है O2 और एटम कितने हो जाएंगे, टोटल 8 एटम हो जाएंगे और मॉलिक्यूल कितने 4। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर, ठीक है। हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल क्लियरली देख चुके हैं। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देखो 70% अलग, 23% अलग और 7% अलग। देखो ये NCERT में दिया हुआ है, 20 से 25 दिया हुआ है, पर मैंने एवरेज लिख दिया 23, ठीक है। 70%, 23%, 7%। अब इसकी सिंपल सी ट्रिक है ABCD, है ना। CO2 ट्रांसपोर्ट की सिंपल सी ट्रिक है ABCD, है ना। अब ये ए में ए को हम बिल्कुल भुला देते हैं, ए को हम यहां पे भुला देते हैं। बी सी डी क्या है, बी से है बाइकार्बोनेट, सी से है कार्बोहीमोग्लोबिन और डी से है डिसॉल्व, ठीक है। 70% होगी बाइकार्बोनेट से, 23% होगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से और 7% होगी डिसॉल्व फॉर्म में, 7% होगी डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मजेदार इसकी प्रोसेस होती है कि इससे कैसे हुई, इससे कैसे हुई, इससे कैसे हुई, और NCERT में थोड़ा सा दिया भी है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, ये कोई टिश्यू है, ठीक है। बॉडी का कोई भी टिश्यू मान सकते हैं। अब टिश्यू क्या करता है, टिश्यू हमें कॉमन सेंस है, हमें पता है ऑक्सीजन की कंजम्पशन, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। टिश्यू क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। अब देखो, ये जो CO2 निकली, इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगी, 70% ऐसे होगी, 23% ऐसे होगी और 7% ऐसे होगी, है ना, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देते हैं, टोटल CO2 को हम डिवाइड कर देते हैं कि 70%, 23%, 7%, ठीक है। अब देखते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब यहां पे इस टिश्यू के पास ये है ब्लड वेसल, टिश्यू के पास ये है एक ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होगा, सिंपल सी बात है। और ब्लड में क्या क्या होता है, मान लो ये है WBC, ये है प्लेटलेट, और यहां पे मैं RBC बना लेता हूं, ये मैं RBC बना लेता हूं, जिसका इस वीडियो में हमें बहुत काम होने वाला है, ठीक है। और ये बाहर क्या होगा, ये बाहर पूरा क्या है, ये है अपना प्लाज्मा, ये है बाहर अपना, ये इधर 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 पूरा प्लाज्मा, ठीक है। अब देखो, इसको उठाते हैं पूरा, देखो 7% हो रही थी डिसॉल्व फॉर्म में, मतलब जो ये 7% है ये डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा में, ऐसे आएगी और डायरेक्ट डिसॉल्व होगी प्लाज्मा में, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रख दो, अब इसका काम करते हैं। देखो, ये 70% जो CO2 है ये अंदर आ जाएगी, ये 70% CO2 अंदर आ गई, ठीक है। अब ये अंदर आके क्या करेगी, ये वॉटर के साथ रिएक्ट कर देगी, ये वॉटर के साथ रिएक्ट कर देगी, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। तो H2O एंड CO2 की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H2CO3, तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा, एसिड है तो H+ छोड़ देगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, HCO3- H+ में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो HCO3- बना, इसको हम बोलते हैं बाय कार्बोनेट आयन। 70% यहां कैसे आएगा पता चल गया। अब क्या होगा, ये बाय कार्बोनेट आयन RBC के बाहर निकल जाएगा, कहां, प्लाज्मा में, RBC के बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया प्लाज्मा में, क्लियर है। अब देखो, एक नेगेटिव चार्ज RBC से बाहर जा चुका है प्लाज्मा में, अब इसको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज को अंदर भेजना पड़ेगा, वो कहां से आएगा, देखो प्लाज्मा में सोल्ट प्रेजेंट होता है NaCl, तो NaCl ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव अंदर चला जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, और इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब देखो, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इन दोनों में हुई अट्रैक्शन और ये अट्रैक्ट कर गए, और ये क्या बना देंगे, NaH
CO3 अब ये बन चुका है यहां पे, क्लियर है? ठीक है, इधर वाला अपना क्लियर हो गया। अब इसको पकड़ते हैं, यहां पे क्या बचा, देखो ये है H पॉजिटिव, ये है H पॉजिटिव, कहां पे है ये, RBC के अंदर, और हमें पता है कि RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो ये H पॉजिटिव इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगा, ये बना देगा। ठीक, पोटेशियम का वो याद मत रखना, कंफ्यूज करेगा फालतू का, यही ऐसे ही याद रखना, सिंपल है। ठीक है, ये बना देगा। अब यहां पर क्या आएगा, NH2 आएगा, अमीन ग्रुप आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, ये जो 23% जो अपने होल्ड पे रखी थी, ये इनके साथ यहां बाइंड कर जाएगी, ये इनके साथ यहां बाइंड कर जाएगी। अब देखो नाम इसका बिल्कुल भी याद नहीं करना है, कॉमन सेंस है। देखो ये कार्बन है मतलब कार्ब, ये अमीन ग्रुप है मतलब अमीनो, ये हीमोग्लोबिन है मतलब हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यहां क्या बन गई, अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब देखो यहां पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से 23% ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ये 23% इसमें फंसी हुई है। ठीक है, 70% जो अपनी CO2 है वो है NaHCO3 में, 23% जो है वो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में, और 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ठीक है, अब ये है ब्लड, तो ब्लड है तो ये तो फ्लो करेगा, ये तो बहेगा। ठीक है, ये ब्लड है ये तो फ्लो करेगा, तो ये फ्लो करके कहां जाएगा, फ्लो करके जाएगा लंग्स में, फ्लो करके जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स मतलब ये मैंने एल्वियोलाई ड्रॉ कर दी, ये मैंने एल्वियोलाई ड्रॉ कर दी, और एल्वियोलाई में हमें कॉमन सेंस की बात पता है कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होगी ज्यादा और CO2 होगी कम। ठीक है, और अंदर यहां पे इसके ठीक ऑपोजिट कंडीशन है, ऑक्सीजन है कम और CO2 देखो कितनी भरी पड़ी है, इसमें भी है यहां पे भी है, CO2 है ज्यादा, तो अब होगी सिंपल क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ चीजें जाएंगी, है ना, गैस है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगी, यहां ऑक्सीजन ज्यादा है एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, जिसको हम सिंपली क्या है, इंस्पिरेशन बोल देते हैं, और अंदर क्या है, अब देखो ये NaHCO3 में ये CO2 अपनी फंसी पड़ी है, तो बिल्कुल जैसे जैसे रिएक्शन करिए ऑपोजिट स्टेप लगा दो, ऑपोजिट स्टेप लगा के हम यहां पे पहुंच जाएंगे और ये CO2 बाहर आ जाएगी। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बनाया पूरा ऑपोजिट स्टेप लगा दो और यहां पे ये CO2 मिलेगी वो बाहर आ जाएगी, और ये प्लाज्मा में डिसॉल्व थी ये डायरेक्ट ऐसे बाहर आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है, CO2 बाहर निकल जाएगी, उसको हम बोल देंगे एक्सपायरेशन। ठीक है, अब एक यहां पे आता है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट ये क्या होता है, देखो ये जो ऑक्सीजन अंदर गई, ये ऑक्सीजन जब अंदर गई तो ये किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन अंदर गई हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो हेल्डेन इफेक्ट सिंपली ये याद रखना कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है उसका इफेक्ट होता है CO2 के निकलने पे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का इफेक्ट होता है CO2 के रिमूवल पे, और उसी को हम सिंपली बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, ये है सिंपली हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, अब देखो हमने एक छोटी सी सिंपल सी बात की थी कि जो ऑक्सीजन होगी वो किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सी, ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड NCERT में एक ग्राफ दिया हुआ है जो क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो इसमें इधर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एक गैस है और गैस का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होगा, सिंपल सी बात है। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये है परसेंट सैचुरेशन। परसेंट सैचुरेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो परसेंट सैचुरेशन सिंपल सिंपल क्या है, कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। परसेंट सैचुरेशन क्या है, कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके है ना, कितनी बाइंड की वो क्या दर्शा रहा है, परसेंट सैचुरेशन को वो शो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे हमें कर्व कैसे मिली, एक सिग्मोइड कर्व मिली। सिग्मोइड कुछ नहीं होता, सिंपल है एस शेप। देखो ये एस जैसा बन रहा है, एस शेप कर्व को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इसमें से मैं अब वो बताने जा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे ये जो भी ग्राफ है, इस पे किस किस का फर्क होता है, इस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का फर्क होता है ना, कि ये जो ये सिग्मोइड कर्व है ये राइट शिफ्ट लेगी या लेफ्ट शिफ्ट लेगी, किस किस का फर्क होता है वो देख रहे हैं, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का इस पे फर्क पड़ेगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर का भी इस पे फर्क पड़ेगा और H+ कंसंट्रेशन यानी pH का भी इसके फर्क पड़ता है। H+ कंसंट्रेशन मतलब सीधा सीधा क्या होगा, पीएच
अच्छी होगी, है ना। और क्या, टेम्परेचर का भी इस पर फर्क पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का भी इस पर फर्क पड़ता है। अब पर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो मैंने ऑक्सीजन पे क्या लगाया, स्टार लगाया, स्टार लगाया, मतलब सबसे ज्यादा फर्क इस पर किसका पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, हमें क्या बनाना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना था, तो इसमें जो सीधी सीधी इन्वॉल्व हो रही है इस ग्राफ में, क्या हो रही है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। देखो हमें क्या बनाना था, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना था, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना था, ठीक है। अब हम वो फैक्टर कर रहे हैं, है ना, हमने यही वही फैक्टर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एच प्लस आयंस है, और ये टेम्परेचर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कौन सी कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए फेवरेबल होंगी और कौन सी कंडीशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनफेवरेबल होंगी, अनफेवरेबल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो इसमें से बनता है जो आपके सामने अभी है, ठीक है। इसको सिंपल सी मैं ट्रिक बताता हूं इसको याद करने की, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, देखो बहुत सिंपल है। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई, मतलब ज्यादा हो, सिंपल सी बात है, हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए, बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, मतलब ये आपको पूरा याद हो चुका है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन हाई, बाकी सारे क्या लो, है ना, बाकी सारे लो, सिंपल सी बात है। और उधर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, सिर्फ ऑक्सीजन लो हो जाएगी, बाकी सारे हाई, है ना। देखो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये H+ आयन, और ये क्या है, टेम्परेचर, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो कॉमन सेंस की बात है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, बाकी सारे लो, बाकी सारे लो। और इधर अनफेवरेबल कंडीशन में बिल्कुल ऑपोजिट कर दो, बिल्कुल ऑपोजिट, हाई का लो और बाकी सारे हाई हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद हो गया। अब देखो हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोर्ट गैसेस का देख लिया। अब ये दो लाइंस है ना, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ये पक्का आपको कंफ्यूज करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ये 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको, टिश्यू को, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इधर क्या है, एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, 4 ml ऑफ CO2 प्रोवाइड करेगा किसको, एल्वियोलाई को। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे कुछ रटने लायक नहीं है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करेगा, है ना। और ऑक्सीजन हमें कहां पहुंचानी है, टिश्यू के पास पहुंचानी है ना, उसको यूज करनी है ना सेल्स को, सिंपल सी बात है। और यहां देखो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, डी ऑक्सीजनेटेड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां निकालनी है, बाहर निकालनी है, तो बाहर कैसे निकालेंगे, पहले एल्वियोलाई में और फिर बाहर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बस याद क्या रखना है कि ये 5 ml थी और ये 4 ml, है ना, ऑक्सीजन क्या थी 5 ml और CO2 क्या थी 4 ml, इसको भी याद थोड़ा ऐसे रख लेना। देखो ऑक्सीजन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है ना, ऑक्सीजन हमारी क्या है, फेवरेट है, फेवरेबल है, तो ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए और गंदी चीज, हार्मफुल चीज हमें कम चाहिए, तो ये 4 ml है, इसको थोड़ा ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्या, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे भी एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं ना, जब बहुत इसमें कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बोरिंग सा लगता है, आपने देखा होगा ये वाला पैरा में बोरिंग लगता है, मजा नहीं आता, है ना। पर मैंने कोशिश किया इसको मजेदार बनाने की, कि आपको चीजें पहली बार में ही, एक बार देखते ही याद हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, वहां एनसीईआरटी में ना चार अपने को पॉइंट दिए हुए, कि चार चीजें ऐसी हैं जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करेंगी, रेस्पिरेशन का जो ऊपर नीचे कर सकती हैं, चार चीजें दी हुई, चार कौन सी दी हुई है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पहला, दूसरा क्या है, न्यूमोटेक्सिक सेंटर दूसरा, तीसरा क्या है, कीमो सेंसिटिव एरिया, और चौथा क्या है, फोर्थ क्या है, रिसेप्टर्स हैं, कहां पे हैं ये रिसेप्टर्स, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है, चार ऐसी चीजें दी हुई हैं जो रेस्पिरेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, है ना, रेस्पिरेशन को बढ़ा सकती हैं, इंस्पिरेशन को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, ऊपर नीचे कर सकती हैं, कौन सी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और कौन से, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, और कीमो सेंसिटिव एरिया, और कौन से, रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स कहां पे लगे,
लगे हुए एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, चार हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी इस मेथड से इसको करना। देखो सिंपल सी बात है, ये अपने पास चार हैं, तो चार में से हमने क्या किया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या बना दिया, मुखिया बना दिया, प्रधान बना दिया, सरपंच बना दिया, ठीक है। चारों में से हमने क्या किया कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या बना दिया, मुखिया बना दिया, प्रधान बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो भी बॉडी में चेंजेस आएंगी उनको डिटेक्ट कौन करेंगे, ये तीनों करेंगे, है ना। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये डिटेक्ट करेंगे, और ये डिटेक्ट कर करके किसको बताएंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बताएंगे कि भाई ये गड़बड़ हो रही है बॉडी में, तुम रेस्पिरेशन बढ़ाओ या रेस्पिरेशन घटाओ, है ना। फिर ये आगे अपना क्या करेगा, आगे अपना काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ये अपना मुखिया, ये क्या करेगा, सिर्फ ऑर्डर सुनाएगा, हाँ भाई रेस्पिरेशन बढ़ा दो, हाँ भाई रेस्पिरेशन घटा दो, और इसको बताएगा कौन कि करना क्या है, है ना, बताएगा कौन, ये तीनों बताएंगे, ये पूरी बॉडी में घूमते रहेंगे एक तरीके से, ये बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, ऐसे घूमते नहीं है पर मैं वैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, प्राइमरीली ये एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में जो प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबल है ना, प्राइमरीली वो क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। और क्या यहाँ पे याद करने लायक बात है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। और दूसरी याद करने लायक इसमें बात हमें नजर आ रही है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स में प्रेजेंट होता है, पोन्स में। ये आपको कन्फ्यूज पक्का हो जाएगा, आप इंटरमिक्स कर दोगे। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि पी फॉर न्यूमोटैक्सिक, पी फॉर पोन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक और पी फॉर पोन्स, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे एक तीसरी याद करने लायक बात है कि जो ये रिसेप्टर है ये कहां पे प्रेजेंट है, एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी में ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे एक और मजेदार बात है जो एनसीईआरटी में लिखी है। देखो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये क्या करता है, देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। मतलब इसके फंक्शन को ये ट कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के ये इसी के रिलेटेड है ना, मुखिया को ही बोलेगा, मुखिया के ही लेना देना है इसका, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में इसका काम हो गया अपना, इन दोनों के बारे में हमें क्या याद रखना है, ये क्या करते हैं, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं किसके, CO2 के और H+ आयन के, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+ आयन के। देखो इसकी एक सिंपल सी मैं आपको एक फंडा बता देता हूं। देखो हमें जो रेस्पिरेशन में काम आने वाले ना, क्या काम आने वाले, ऑक्सीजन काम आने वाली है, CO2 काम आने वाली है, और एक चीज याद रखना H+ आयन काम आने वाले, ठीक है। हमें रेस्पिरेशन में क्या है, CO2 ऑक्सीजन H+, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन की रेगुलेशन होती है ना, रेगुलेशन जो ये हम कर रहे हैं रेगुलेशन, इसमें CO2 और H+ का सिग्निफिकेंट रोल होता है ना। मतलब जो ऊपर नीचे होगा, जो चेंजेस होंगे, जो बदलाव होंगे, वो इनकी वजह से होंगे, इनकी CO2 और H+ आयन की वजह से। O2 ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, मतलब कोई खास रोल नहीं होता। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल होता है। सिग्निफिकेंट रोल किसका है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि इन दोनों को फर्क किससे पड़ेगा, इन दोनों को फर्क इन दोनों से पड़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट रोल इनका है, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली सेंसिटिव है, कीमो सेंसिटिव एरिया, और रिसेप्टर जो है इसमें एओर्टिक आर और कैरोटिड आर्टरी में, वो हाईली सेंसिटिव है किसके, CO2 और H+ आयन पे, है ना। मतलब ये CO2 बढ़ेगी या घटेगी, या H+ आयन बॉडी में बढ़ गए या घट गए, तो उसके अनुसार क्या है, ये सिग्नल भेज के इसको बता देंगे कि हाँ भाई CO2 बढ़ रही है, तुम कुछ चेंजेस लाओ, तुम कुछ ऑर्डर सुनाओ। तो ये क्या करेगा, फिर रेस्पिरेशन बढ़ा देगा या घटा देगा, वो इसकी मर्जी है ना, जैसा भी बॉडी के लिए फेवरेबल होगा ना। ये भी क्या करेगा कि CO2 या H+ बढ़ घट गए, तो ये जल्दी से इसको बताएगा सिग्नल देके कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है बॉडी में और तुम कुछ करो। तो ये क्या करेगा, फिर अपने अनुसार जो भी इसको बॉडी के लिए फेवरेबल लगेगा वो ये आगे कर देगा, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही वैसे करने हैं, पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो जाएगी, जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, अस्थमा। अस्थमा में तीन ही वर्ड याद रखने हैं अपने को, क्या, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देखो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन का डिसऑर्डर है तो ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, इसमें कुछ याद नहीं किया। और क्या है, वीजिंग होगी, इसमें क्या होती है, वीजिंग होती है।
और जो सबसे हिट पॉइंट, जो इसका सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि अस्थमा के अंदर ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अस्थमा का क्वेश्चन जो बनेगा मोस्ट प्रोबेबली यहां से बनेगा कि अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो जाती है किसमें, ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में। अस्थमा अपना क्लियर है, इससे ज्यादा एक भी वर्ड एनसीईआरटी में अपना है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, सिंपल सी ट्रिक है, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड कवर हो जाएगा। देखो सिंपल से, जो सीमा थी ना, सीमा एक लड़की का नाम है, सीमा एक लड़की का नाम है सीमा, और सीमा बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती थी, सीमा बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती थी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बहुत ज़्यादा सिगरेट पी गई थी तो उसको क्या हो गया, थोड़े थोड़े नशे हो जाते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिगरेट पिएगी तो थोड़ा थोड़ा सा उसको चक्कर सा आने लग जाता था, तो चक्कर आया तो उसने क्या किया, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी कहाँ, दीवार में ठोक दी, गाड़ी दीवार में ठोक दी, तो गाड़ी को दीवार में ठोकेगी तो गाड़ी वो दीवार क्या हो जाएगी, दीवार अपनी डैमेज हो जाएगी, दीवार अपनी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा का मेजर कॉज क्या है, मेजर कॉज है इसका सिगरेट स्मोकिंग, मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। अब इसमें होता क्या, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, है ना, दीवार टूट गई थी ना, गाड़ी टक्कर लगी थी जब, दीवार टूट गई थी तो वॉल्स गेट डैमेज। अब दीवारें टूट जाएंगी तो दीवार का जो प्रॉपर सरफेस एरिया था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, वॉल, दीवारें जब टूट गई तो सरफेस एरिया क्या है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और ये कैसा होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक, है ना, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय वाला। एक्यूट होता है कि इंस्टेंट, मान लो आपको आज ही बुखार हो गया, कल उतर गया, है ना, और क्रोनिक होता है लंबे समय वाली बीमारी, ठीक है। अब एम्फाइसीमा के बाद क्या है, ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल मतलब आप समझ रहे हैं, नाम से पता ही आपको ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय, व्यवसाय है ना, जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, मजदूर होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको पता ही है इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे पत्थरों पे काम करते हैं, वो डस्ट यानी धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो वो धूल मिट्टी में बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने लंग्स में जाते रहते हैं, ठीक है। तो वो मान लो 10 साल से कोई बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो 10 साल तक उसमें डस्ट जो है छोटा छोटा जाता रहा, है ना, लॉन्ग एक्सपोजर होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसके लंग्स में इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाएगी, लंबे समय तक काम करने में इन्फ्लामेशन शुरू होने, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन से क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, इस इन्फ्लामेशन के रिजल्ट से क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। देखो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड करना कि रैपिड डिवीजन होगी फाइब्रस टिश्यू की, ठीक है। इतनी सी बातें थी इस चैप्टर में, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कवर कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, थैंक यू।